दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आज आई हुई है बजाज डिस्कवर 100। तो इनके अंदर आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारी बजाज की डिस्कवर 100 सीसी बाइक हो गई, या एक्सीडी वगैरह बाइक हो गई, या फिर होंडा की जैसे कि ड्रीम योगा, ड्रीम नियो, ट्विस्टर वगैरह, तो इनके अंदर अक्सर आपने एक प्रॉब्लम देखी होगी। जब हम इसमें कीक लगाते हैं तो अक्सर जो है यहाँ पर इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जो कीक को बैक वापस कर देता है। तो ऐसे में जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो ऐसे में ये स्प्रिंग कई बार टूट जाता है। तो ऐसे में होता क्या है, जब जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो इसकी किक जो है नीचे ही लटकी रह जाती है जब इसका अंदर का स्प्रिंग टूट जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर दो टाइप के स्प्रिंग आते हैं। एक स्प्रिंग तो होता है जब हमने उसको डालने के लिए पूरे इंजन को ही ओपन करना पड़ता है, और जो दूसरा स्प्रिंग होता है उसको हम जो है इसके आरएच कवर को ओपन करके, जो इसका क्लच कवर होता है उसको ओपन करके इसके स्प्रिंग को डाल सकते हैं। तो वो इसके आरएच कवर में इसका स्प्रिंग दिया होता है। लेकिन जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास डिस्कवर 100 बाइक है, और जैसे कि ये कुछ एक्सीडी वगैरह बाइक थी, तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम पाई गई थी कि इनका जब ये स्प्रिंग टूट जाता था तो ऐसे में हमने इसके इंजन को ओपन करके ही यहाँ पर इसके स्प्रिंग को डालना पड़ता था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब हम इसके इंजन को यहाँ पर ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ कस्टमर का यहाँ पर जो है एक डाउट भी रहता है। तो यहाँ पर आपने जो है इसके इंजन को ओपन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दूँ, जो इसका ये मैगनेट कवर होता है इसको आपने ओपन कर लेना है। इसके मैगनेट को आपने यहाँ पर बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये इसके अंदर एक 8 mm का बोल्ट होता है, यहाँ पर आप इसको ओपन कर लें, बाकी आपने इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर इसके बाद जब हम इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पर जो इसका प्राइमरी गियर होता है इसको भी आपने यहाँ से जो है ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है चैम्बर ऐसे ही निकल जाएगा। अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसकी किक स्प्रिंग की। देखिए दोस्तों, मैंने इस बाइक के अंदर पिस्टन रिंग इंस्टॉल करने हैं, तो कस्टमर मेरे पास स्पेशल मेरा वीडियो देख के आया था कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको अपना एड्रेस दे दिया और ये मेरे पास आ गया। तो मैंने इनको बोला कि आप इसके अंदर पिस्टन रिंग तो डलवाए रही हैं, साथ ही मैं इसके अंदर जो हूँ इसके इंजन को ओपन करके यहाँ पर इसके अंदर ये किक स्प्रिंग डाल दूंगा। तो वो बोल रहा था कि आप जैसे कि जुगाड़ करते हैं बाहर किक स्प्रिंग डाल के वो वाला कर दो। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने इस कस्टमर को बोला कि देखिए आप इसके अंदर पिस्टन रिंग तो डलवा ही रहे हैं, क्यों ना मैं आपकी बाइक के अंदर बिल्कुल जेन्युइन काम कर दूं, तो मैं यहां पर इसके अंदर जो हूं ये किक स्प्रिंग इसके इंजन को ओपन करके ही डाल दूंगा। और मैंने बोला अगर चलिए मान लो कभी ये बाद में टूट जाता है भविष्य में कुछ साल बाद, या मान लो साल दो साल बाद, तो यहाँ पर आप इसके अंदर जो है बाहर से ही किक स्प्रिंग डलवा लेना। तो यहाँ पर ये जो है जुगाड़ वो बाद का ही काम है, तो यहाँ पर क्यों ना मैं आपकी बाइक में बिल्कुल जेन्युइन काम कर दूं। और मैंने इस कस्टमर को बोला कि मैं जो हूँ इसके अंदर जो ये चैम्बर होंगे इनको भी मैं लगे हाथ साफ कर दूंगा, जिससे यहाँ पर जो इसके अंदर इतने डस्ट पार्टिकल जमे हुए हैं वो भी साफ हो जाएंगे, जिससे आपको यहाँ पर बाद में कोई इंजन को फ्लश करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कस्टमर दोस्तों मुझसे जो है बिल्कुल इंप्रेस हो गया था, और उसने बोला चलिए आप जो है जिस जैसे कि आप बोल रहे हैं आप इसी तरीके से कर दो, मुझे मेरी बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो आप जैसा कहेंगे आप उसी तरीके से कर दो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं आपका एक कन्फ्यूजन और दूर कर दूँ। यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि जब इसका ये स्प्रिंग टूट जाता है क्या ये कहीं पर गियर बॉक्स में फंस जाता है या नहीं। तो यहाँ पर जो ये होल होता है देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर ये कट लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो इसका स्प्रिंग होता है ये यहीं पर ही रह जाता है जब ये टूट जाता है, तो ये कहीं साइड में नहीं गिरता। तो ऐसे में आप बेचिंत रहें, अगर ये स्प्रिंग टूट भी जाता है तो ये यहीं पर ही अटका रहेगा, तो ये कहीं गियर बॉक्स में या कहीं दूसरी जगह पर नहीं फंसेगा, तो इस बात से आप बेचिंत रहें। तो यहाँ पर ये जो इसका स्प्रिंग होता है इसके मेन चैम्बर में होता है गियर बॉक्स के पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर स्प्रिंग होता है इसकी कीमत तो 20-30 रुपये होती है, लेकिन ये जो है जब टूट जाता है तो ऐसे में ये पूरे इंजन को ही खुलवा के छोड़ता है। तो ऐसे में देखिए दोस्तों, चलिए बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो बाहर जुगाड़ नहीं चाहते, वो इसके अंदर स्पेशल स्प्रिंग ही डलवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप मुझे इस वीडियो में पूछेंगे कि जब आप इसके अंदर स्प्रिंग डालते हैं तो आपका ये टोटल लेबर चार्ज कितना होता है जब आप इसके अंदर स्प्रिंग डालते हैं। देखिए दोस्तों, स्प्रिंग यहाँ पर दो तरीके से डाला जाता है, तो मैं क्या करता हूँ देखिए, एक बंदा तो मान लो ऐसा है कि इसके अंदर आपने सिर्फ स्प्रिंग डाल देना है, जो भी होगा वो मुझे बता दो, तो वहाँ पर मैं उसको 1000 रुपये में ये स्प्रिंग डाल के दे देता हूँ विद लेबर के साथ। और दूसरा बंदा ऐसा होता है कि आप इसके इंजन को साफ भी कर देना, तो मैं वहाँ पर 200 रुपये एक्स्ट्रा लेता हूँ, 200 रुपये एक्स्ट्रा वो होगा, ये प्लस जब हम इसको साफ कर देंगे तो वहाँ पर उसके अंदर हमें नया मोबियल भी डालना पड़ेगा, तो वहाँ पर कस्टमर का जो खर्चा है वो 1500 से 1600 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से 1600 रुपये खर्चा आ जाएगा जब मैं इसको साफ सफाई करके फिट करूँगा और इसके अंदर नया ऑयल डाल दूंगा। तो दोस्तों ये मेरा लेबर चार्ज होता है, आपके एरिया में शायद इससे ज़्यादा हो सकता है क्योंकि सब जगह जो है अलग अलग लेबर चार्ज होता है। तो हमारे यहाँ पर दोस्तों
मैं तो इतना ही लेबर चार्ज करता हूँ। तो अब दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर देखे साफ कर दिया है इसके चैम्बर वगैरह को, और अब मैं आपको इसके अंदर ये स्प्रिंग डाल के दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसके अंदर ये स्प्रिंग डालते हैं। देखिए दोस्तों इसके अंदर ये दो तरीके से स्प्रिंग डाला जाता है, एक स्प्रिंग तो ये स्पेशल होता है जो 20-30 रुपए का आता है, और दूसरा स्प्रिंग जो हम बाहर से डालते हैं जो है रॉयल एनफील्ड 350 सीसी का किक स्प्रिंग होता है, वो हम इसके अंदर बाहर से डाल देते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इसको डाल के दिखाता हूँ किस तरीके से हमने इसके अंदर ये स्प्रिंग डालना है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी अच्छी जानकारी मिल रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको इसमें ये दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसके अंदर ये स्प्रिंग डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इसका ये स्पेशल स्प्रिंग होता है, इसका जो नीचे वाला सिरा होता है ये लंबा किया गया है, और जो ऊपर का सिरा होता है इसको फ्लैट किया गया है। तो जो इसका नीचे वाला लंबा सिरा है ये जो इसके अंदर एक होल होता है इसको इसमें आपने डाल देना है, और ऊपर से जब इसके ऊपर ये किक आएगी तो जो किक में एक कट लगा होता है ये उसमें फंसाने के लिए इसको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर अब बात करता हूँ इसके अंदर जो हम बाहर से जुगाड़ करते हैं, तो ये मेरे पास रॉयल एनफील्ड 350 सीसी का ये किक स्प्रिंग है जो हमारी रॉयल एनफील्ड होती है, ये आपको 40-50 रुपये का मार्केट से मिल जाएगा। तो बात 40-50 रुपये की नहीं होती, बात होती है आपकी बाइक के अंदर इंजन खुलने से बच जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये स्प्रिंग होता है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है इसके अंदर हम किस तरीके से ये स्प्रिंग डालते हैं। तो जब हमारा दोस्तों कंप्लीट इंजन फिट होता है तो हमने इस किक को जो है बाहर निकाल के उसके बाद इसको थोड़ा बैंड करके इसको उसमें इंस्टॉल कर देना है। किस तरीके से फिट करना है आप ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक देख सकते हैं, और साइड में यहाँ पर आप उसका थंबनेल देख सकते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पर दोस्तों ये दो टाइप के स्प्रिंग होते हैं, एक स्पेशल और दूसरा ये जैसे कि हम बाहर से इसमें जुगाड़ कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए आपको इसमें ये बताना चाहा, अगर मान लो आप लोग इसके अंदर स्प्रिंग स्पेशल डलवाना चाहते हैं तब तो इसका इंजन ओपन होगा। भाई मैंने तो इसका इंजन इसलिए ओपन किया है कि मैंने इसके अंदर पिस्टन रिंग डालने हैं। जब हाँ कस्टमर का इंजन करवाने का टाइम होगा, जब उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी तब तो ये स्प्रिंग डलेगा। तो आप उसके अंदर फिलहाल जो है बाहर से जो जुगाड़ होता है उसके अंदर इस तरीके से ये स्प्रिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये स्प्रिंग हमने इस तरीके से इसमें डाल दिया। तो अब आपने करना क्या है, जो यहाँ पर ये होल दिया गया है ये यहीं पर ही फंसा रहेगा। तो इसके बाद अब आपने जो इसका ये ऑयल फिल्टर होता है इसको आपने इस तरीके से यहाँ पर रोक देना है, और यहाँ पर इसके बाद जो हमारा ये दूसरा ऊपर का चैम्बर होता है इसको आपने यहाँ पर फिट कर देना है। दोस्तों आपने यहाँ पर जो है एक रेजिमोंड जो ट्यूब आती है नीले वाली उसका इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर 4-5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब यहाँ पर ये रेजिमोंड कुछ ये जब सूख जाए तो आप इसको उस वक्त ही रखें। तो ऐसे में दोस्तों जब ये हमारा इतना काम हो जाएगा इसके बाद आपने यहाँ पर कुछ और बदलाव नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर जो इसका ये चैम्बर होता है इसको इसके ऊपर ऐसे कवर कर देना है। तो यहाँ पर ये चैम्बर जो है हमारा इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया जाएगा, और इसके बाद जो इसके ये 8 mm के बोल्ट होते हैं उनको आपने इसमें लगाकर उनको टाइट कर देना है। अब इसके बाद आपने करना क्या है, जब हमारा ये चैम्बर फिट हो जाए तो ये हमारी एक इसमें जो है किक शाफ्ट होती है, तो इसको हमने किस तरीके से डालना है। देखिए यहाँ पर इसके एक ऊपर वासल होती है और एक नीचे होती है। तो आपने जो है इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है कुछ मैकेनिक गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें जैसे कि लंबा कट होता है तो कुछ इसको जो है बड़े वाले कट के हिसाब से इसमें फिट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लो मैं इसको थोड़ा लंबे वाले कट के हिसाब से इसको फिट करता हूँ तो होगा क्या, जो ये स्प्रिंग होगा ना तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा राउंड करेगा, और ऐसे में ये जो है कि इसकी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, और यहाँ पर जब हम इसमें किक लगाएंगे तो ऐसे में इसका स्प्रिंग दोबारा टूट जाएगा। तो आपने यहाँ पर ये गलती नहीं करनी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने इसको आधे कट में यहाँ पर डालना है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो इसकी शाफ्ट होती है इसको आपने इसमें डाल के इसको ऐसे पीछे घुमा देना है। जब आप इसको ऐसे पीछे घुमा देंगे तो यहाँ पर जो ये कट लगा होता है यहाँ पर ये इसकी सपोर्ट इसमें फंस जाएगी, और इसको आप थोड़ा नीचे पुश कर दें जिससे यहाँ पर ये इसमें फिट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जब ये इसमें फिट हो जाएगी, जब आप इसको चेक करेंगे ऐसे घुमा के, तो हमारी यहाँ पर जो इसकी इनपुट शाफ्ट होती है ये फ्री होती है, और जब हम इसको घुमाते हैं तो यहाँ पर ये इसके साथ घूमती है। तो यहाँ पर हमारी किक अब ये प्रॉपर काम कर रही है। तो आप यहाँ पर किक शाफ्ट डालते वक्त इसमें ये गलती मत करें कि जिससे आपका स्प्रिंग यहाँ पर दोबारा टूट जाए। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसके अंदर इस तरीके से हम इसके अंदर ये जो स्प्रिंग होता है फिट कर देते हैं, और इसका टाइमिंग इस तरीके से कर देते हैं। जो हमारी किक शाफ्ट होती है इसको भी हम आपको इसमें दिखा रहे हैं कि आपने इस तरीके से इसकी फिटिंग कर देनी है। तो ये दोस्तों हमारा मात्र 20-30 रुपये का जो स्प्रिंग आता है, आपने इसके अंदर आप चाहे तो इंजन को ओपन करके भी डलवा सकते हैं,
और यहाँ पर अगर आपका इंजन बिल्कुल ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको बाहर से भी जो है इसके स्प्रिंग को, जो हमारा रॉयल एनफील्ड बुलेट होता है 350 cc वाला, वो उसका स्प्रिंग जो किक वाला होता है, वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ये भी मात्र 40-50 रुपये का आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक छोटी ही जानकारी थी जो मैंने आज आपको इस वीडियो में देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और जिन भाइयों ने दोस्तों अभी तक जो है हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, सो प्लीज़ कर लेना, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।